आईफोन एकदम से ऐसे भैया देखे रोहित रोहित चल रोहित चल रोहित चल रोहित चल काय भैया इतने का कर रहे हो का भैया पटरी ऐसे गोल घूम जाती है यहाँ से एक पटरी सीधी चली जाती है ऐसा का है बीच में है का की पटरी को घूमना पड़ रहा हो पूरा नक्शों में देखा ऊपर से देखो ऊपर से कितने से देखो ऊपर से नक्शे में ऊपर से ऊपर कैमरा लगा हुआ है हमारे आसमान में एक कैमरा सेटेलाइट कहते हैं उसे बाको मन हुआ घूमने को तो भैया घूम गई हुआ है हमारा मन है तो जैसे तो हम इतने आगे बैठ गए और कू को मन होता है तो वो पटरियन के किनारे लोटा लेके बैठ जाते हैं सबके मन के ऊपर है भैया अब जो पटरी आती तो जाको मन हुआ तो घूम गई हुआ है और का वैसे तुम एक बात बताओ कि तुम तक आए आए हो लोटा तो तुम्हारे पास दिखना रहो है ये पटरी है पहाड़ भी हैं तो बढ़िया देखने में अच्छा लग रहा था तो सोचा वीडियो बनाए घूमे थे इतने तुम ले चलो घुमा चलो घूम लेने आए इतने से मुड़ जाए अब ये जय मोड़े जय मोड़े जय से मुड़ जाए तो पहुंच जाएंगे पहाड़ों पे आओ आओ इतने तुम्हारा घर के थे तुम्हारा खेत तो शहर का हो या खेत के जे अरे गांव के गांव के हो ये तो गांव ही के पर का होता है हमें तो अच्छा लगा था तो नहीं से आया था देखती मुझे देख खेती बाड़ी हो रही है देख चारी सी रास्ता है हरियाली है इतने शहर में कहा बहुत भीड़ भाड़ है प्रदूषण है इतने वो सब कचूरा है आराम से अपनी जिंदगी इतने मोबाइल का नेटवर्क भी आए हुए हैं इतने खेती बाड़ी खाने की टेंशन भी ना है इतने रहने की टेंशन ना है इतने पीछे पहाड़ भी है जब इतना बारिश होता है ना ऐसा लगता है पूरा गांव चहचहा तो है बिल्कुल खिल जाओ मट्टी की खुशबू ये वो पहाड़ की बड़ा कहाँ से रास्ता है पहाड़ की बड़ा रास्ता कहाँ से ऊपर पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं बेटा आसमान में नहीं जा रहे ऐसे घूमने अच्छा बैल जाना पड़ता है घूमने आए से भी जा सकते हैं और गैल से भी जा सकते हैं इन्हें पता तुम्हें ना करना पता भैया तुम तो कह रहे थे कि तुम ये झूठ बोल रहे हो ये झूठ बोल रहे इतने का ना है हमें रस्ते में मिल गया था ले तो आया इधर ये लग भी लग ना रहो कि कहीं इधर रास्ता है तू है कहाँ जानता भी है कहाँ नहीं की सीधे सीधे चलते इतने ट्रेन की गुफा भी है ट्रेन की तुम्हारा कोई इरादा नेक ना लगा बात बताए कहा लिफ्ट चाहिए थी कौन बनेगा करोड़पति चल रहा होगा तो हम बार बार इतने सवाल पूछ रहे हो हम कह रहे हैं सामने वो देखो वो तुम्हारी गुफा अब पटरी पे तो आ गए भाई आईफोन है अरे आईफोन अरे अरे ये काहे का लूटा किनका लूटा तुमने किनका लूटा अरे तुम्हारी तरह आओ तो एक लोग बनावे तुम ये समझो बेटा हमने तुम्हें ढूंढना ही इसलिए था तुमने हमें ना ढूंढना हमने तुम्हें ढूंढा था याद रखना ये बात भैया तो अरे आ रहा भैया आ रहा राम 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 तो ये पहाड़ के अंदर से पूरा रास्ता बना हुआ देखा शायद नई लाइन डल रही है शायद वो फ्रेट कॉरिडोर वाली लाइन जो फ्रेट कॉरिडोर बनेगा अपना नोएडा से लेके मुंबई तक शायद उसी कॉरिडोर के लिए लाइन काट रहे नहीं तो ये नया पूरा रोड खोदा है देखो ये देखो पूरा जाके देखते हैं अंदर कहाँ पहुँचते हैं किसी पहाड़ के ऊपर जा रहा है रास्ता तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं इससे लेकिन ये तो अच्छी बात है कि इससे हम लोग बिल्कुल पहाड़ों के अंदर पहुँच जाएंगे कैसे बोल लो तुम नहीं तुम्हारी बोलो का हो गया हम का बोले तुम भी बोलो गाँव की भाषा में लगता है भैया पहुँचने वाले हैं
काय भैया पहुंच जाएंगे का ओ राम राम, ये तो रोटी खत्म हो गई भैया, ये तुम्हारा गड़बड़ लग रहा था मुझे। भैया तुम तो मार डालते हो आज, तुम मार डाल, तुम यहाँ लेके हम लाए का, ये वही बिगड़ है जहाँ मानसिंह रहता था। नहीं ये तो कहाँ रह रहा हूँ मानसिंह, अपना अपना अब तो चलोगा तो भागी रहते अभी भी। अब को ना रहता हूँ अभी तो बस जो ही काम। भैया जो बीघड़ और चंबल का एरिया है वो अकेला वो चंबल नदी के पास का नहीं है, ये भी है। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ टाइम पहले यहाँ पे काफ़ी डाकू होते थे, जंगल है पूरा, देखो कुछ नहीं है दूर दूर तक। और लंबी आई है बहुत दूर से, ये वाली जो लाइन है ना पहाड़ों की बहुत लंबी जा रही है आगे तक, घाटी गौत जाती है आगे, पनिहार घाटी गौत। संदलपुर टनल दिखाई दी ना, वो थोड़ी आगे ही है, लेकिन वहाँ तक यहाँ से रास्ता नहीं है। मुझे लगा था बाइक पहुँच जाएगी, लेकिन आगे ये बन रहा है अभी, देखो ये पुल बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शायद रेलवे लाइन बिछेगी एक नई, ट्रेन आ रही है। अच्छा अंदर से आ रही हो, कुछ शॉट दिखाते हैं आपको ड्रोन से, फिर निकलते हैं यहाँ से। एकदम से भक्ति हुआ है हमारा, हम डर गए एकदम से, कौन आ रहा है पता नहीं क्योंकि जंगल है देखो, चारों तरफ जंगल है, कुछ नहीं है। ये कहा हो कि अभी भैया हमारी फाड़ रहे थे वैसे तो, लेकिन हमारी खुद की पड़ गई। अभी क्या है, वहाँ पे गार्ड थे वो हमारे साथ मजाक कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे मतलब घूम रहे थे, तो एकदम से ना वो मुँह ढका उन्होंने, तो कैसे किया मैं रोज बताएगा आपको। बाइक से ऐसे आ रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे सामने खाई है ये सब है, और ऐसे ऐसे आ रहा एकदम से ऐसे, भैया देखे एक नीचे से आ रहा था यहाँ से और एक ऊपर से आ रहा था, ठीक है। और ये धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे, मेरी तरफ आने लगे, और ये हाथ करने लगे। मैंने कहा रोहित रोहित चल, रोहित चल, रोहित चल, रोहित चल, रोहित चल, और ऐसे आ गए एकदम से। मैं एकदम से मैंने कहा रोहित भाई भाग, रोहित पत्थर, रोहित क्या पत्थर इकट्ठा कर रहा था, पत्थर इकट्ठे कर रहा था, और मैं भागने वाला था। मैंने रोहित बैठ जा जल्दी बैठ जा, फिर एकदम से क्या हुआ, अंकल हंसने लगे, हंसने लगे, तो हमें समझ में आया अंकल मजाक कर। अंकल बताएं वो यहाँ के गार्ड है, यहाँ पे क्या है सामान रखा था सरिया वरिया, और रेलवे का काम चल रहा है। क्या लाइन नई लाइन डल रही है, तीसरी, अच्छा तीसरी लाइन, वो शायद मालगाड़ी की डल रही है ना अलग से, नहीं नहीं सभी चलेंगे, अच्छा सभी चलेंगे मालगाड़ी दोनों, ठीक है। अब तो और ये आगे जाके और जुड़ जाएगी उसी में, हाँ जो टनल वाली लाइन है, हाँ स्टेशन से पहले क्रॉस है जाएगी। अच्छा टनल वाली लाइन सेम जो लाइन है टनल, हाँ हाँ हाँ
तो मतलब ये लाइन टनल में जुड़ जाएगी। और भैया वो जो लाइन है वो पूरी गोल घूम के आती है, जो पहाड़े हैं वो पूरी गोल घूम के आती है ना, वहाँ से घूमी है वो। हाँ वो वहाँ जो क्लोज था, हाँ से होते हैं। मैंने नक्शे में देखा था, नक्शे में ये दिखता है कि ये लाइन तो सीधे निकल जाती है और ये पूरी गोल घूम के जाती है। गोल घूम के ये अड़ूपुरा होते हुए जो सामने ब्रिज आया। मैं पता है यहाँ पहले के टाइम पे कहते संदलपुर टनल में लूटपाट भी होती थी पहले, बहुत टाइम पहले। अरे आपका नहीं, अभी तो नहीं कह रहा, पहले के टाइम पे ट्रेन रोक लेते थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, यह सब तो पुरानी बात है, पुरानी कहानी है। अब जंगल है, जंगल तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं वो तो भैया हम लोग यहीं घूमते रहते हैं, शीतला माता साइड घूमते रहते हैं। आज तो कोई दिक्कत मुझे हमें आई नहीं है। नहीं नहीं, हमारे ये ब्रिज बन रहा है, ये देखो ये उसके ऊपर से आगे और ब्रिज है ना, आगे और ब्रिज बनेगा। अब तो जहाँ पुराने ब्रिज है वो जगह पर नए ब्रिज है। अरे भैया मजा आओ, एक नंबर मजा आओ भैया, फटी नेट तो फट गई थी। और यहाँ पे अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए, जो शायद आपको बाद में दिखाएं कभी वीडियो में, है ना। अभी तो मेरा मन नहीं था, ये अंधे हो चुका है। वो ये कह रहे थे यार इस रात के टाइम पे मत इधर मत घूमा करो, जंगल वाला एरिया है। भैया तुम्हें पुल से उठाया था, पुल पे छोड़ेंगे अब। भैया घर छोड़ दो, हमो लगो तो ये कछु जे करने वाले हैं, है जे जे हमें जे खुराफात लग रहे थे, लेकिन इन्हीं की भाड़ दी किसी ने आके। हम तो लगते हैं खुराफात पर हैं, बहुत सीधे आदमी। सीधे साधारण सच्चे इंसान जी जी। हमें नए मिले ब्लॉग में, अगली बार से आने की कोशिश आएंगे हमारे ब्लॉग में आपसे। अलग एक्सेंट के साथ नया करेक्टर आएगा।